कई बॉलीवुड स्टार 8-9 साल से कर रहे हैं इस बीमारी का ट्रीटमेंट। सलमान खान जूझ चुके हैं ऐसी ही एक सीरियस बीमारी से। एक नजर डालते हैं इस खबर पर। सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग के लिए ऑस्ट्रिया में है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म के लिए सलमान ने अपना वजन करीब 17 किलो तक घटाया है। वैसे सलमान के लेटेस्ट लुक को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने फिल्म के लिए वाकई वजन कम किया है। उनकी लाइफ में एक दौर ऐसा भी था जब वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया से जूझ चुके हैं सलमान। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया नामक बीमारी से जूझ चुके हैं, जिसका उन्होंने लंबा ट्रीटमेंट लिया। सलमान अब भी अक्सर इसके ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका जाते हैं। ये एक न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान के चेहरे के कई हिस्सों, सिर, जबड़ा आदि में जबरदस्त दर्द होता है। तैमूर को लेकर सैर पे निकली मम्मी करीना कपूर खान। 3 महीने के हो चुके हैं तैमूर। देखते हैं जूनियर सेफ की कुछ तस्वीरें। गुरुवार रात एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपने बेटे तैमूर को लेकर सैर पे निकली थी। करीना के साथ कार में तैमूर को गोद में लेकर एक महिला बैठी थी। संभवतः वो तैमूर की नैनी है। पिछले साल 20 दिसंबर को जन्मे तैमूर उस दिन से खबरों में बने हुए हैं, जब से सैफ ने करीना की प्रेग्नेंट होने की पुष्टि मीडिया में की थी। पिछले महीने एक्टर सैफ अली खान ने अपने व्हाट्सएप के प्रोफाइल फोटो के तौर पर तैमूर की फोटो लगाई थी। वहां से यह फोटो लीक हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इस बारे में सैफ अली खान ने कहा था कि वह अपने बेटे को छिपाकर नहीं रख सकते हैं। कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में करीना ने कहा था कि उन्हें लगता है कि वह अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दौर में है। एक्ट्रेस मीता गोंदकर से की हमारे एक सहयोगी ने खास मुलाकात, आइए देखते हैं। एंटरटेनमेंट जंक्शन में आपका स्वागत है और आज हमारे जंक्शन पर आई है स्मिता गोंदकर। आइए इनसे बात करते हैं। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज इंडिया टीवी पर। थैंक यू। स्मिता जी, आपको अभी हाल ही में बेस्ट एक्टर करके नवाजा गया है, क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? जी हाँ, मुझे टोरंटो में होने वाली ऑल्टरनेटिव फिल्म फेस्टिवल स्प्रिंग 2017 इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला, तो बहुत खुशी हो रही है। और ये जो अवार्ड है ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन ये पूरे मराठी इंडस्ट्री के लिए, ऐसे मैं समझती हूँ। क्योंकि सबसे पहली बात तो हमारी काफ़ी फिल्में बाहर जाती है, काफ़ी इंटरनेशनल फेस्टिवल्स के लिए जाती है, ऑस्कर्स को गई है मराठी फिल्में। लेकिन जब ये खुद की बारी आती है तब कुछ बहुत ज़्यादा आनंद होता है, और उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिलने का और भी ज़्यादा आनंद है। क्योंकि इस अवार्ड फंक्शन में काफ़ी सारे जितने एक्ट्रेसेस को नॉमिनेट किया गया था, उसमें आई थिंक भारतीय एक्ट्रेस में अकेली थी और वो भी मराठी, और जब मेरा नाम पुकारा गया तो ये मेरे लिए गर्व की बात नहीं, लेकिन पूरे मराठी इंडस्ट्री के लिए आई थिंक दिस अवार्ड इज़ फॉर देम। ये बात देख के यानी इस बात से खुश थी कि एक मराठी फिल्म गई है और जो नवाजी गई है, सो इट्स रियली नाइस थॉट फॉर मी। क्योंकि बचपन से काफ़ी स्पोर्ट्स करती आ रही हूँ, हमेशा मैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन कहीं इंडिया के लिए खेल नहीं पाई थी, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ माय करियर एंड एवरीथिंग। तो इस बार जब मैंने अपना नाम लेते हुए वहाँ पे सुना तो बहुत एक गर्व सी फीलिंग आई, और ऐसा लग रहा था कि चलो कुछ नहीं तो इंडियन कोई है जिसका नाम पुकारा जा रहा है। तो इट वॉज़ आई फेल्ट वो जो तमन्ना थी वो कहीं पे पूरी होने लगी थी, वो पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही थी। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि आपको स्पोर्ट्स में बहुत लगाव था, आपने स्पोर्ट्स में बहुत काम किया है, तो आप एक्टिंग के फिल्म में मतलब कैसे आपको लगा कि आप एक्टिंग करनी चाहिए इसे? एक्चुअली बचपन से ही हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स बहुत ही कंपलसरी रहा है, और चाहे कोई भी कर लो, यानी मम्मी भी मेरी अभी भी एक नेशनल स्विमर है जो इस उम्र में भी स्विमिंग करती है। तो मैं नेशनल जूडो खेल चुकी हूँ, मैं नेशनल कयाकिंग एंड रोइंग और महाराष्ट्र की टीम कैप्टन रह चुकी हूँ काफ़ी सारे नेशनल गेम्स में। लेकिन कहते हैं ना, हर एक चीज़ के लिए एक वक्त होता है, एंड यू हैव टू अलाउ योर लाइफ टू फ्लो एज इट गोस। एक ज़माना ऐसा भी था, एक वक्त ऐसा भी था कि मैं पुलिस ज्वाइन करना चाहती थी और CRPF बिकॉज ऑफ माई स्पोर्ट्स। लेकिन एवरी इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग। तो आई थिंक आई रिमेंबर मुझे जॉब मिली थी अमेरिका में, और एक कहीं पे अपने आप को समझाना पड़ा था कि ये वक्त स्पोर्ट्स का करियर शायद यही तक था, मुझे अपनी और ज़िंदगी एक्सप्लोर करनी है, और मुझे अमेरिका जाना था और वहीं पे वहाँ पे जॉब वेट कर रहा था, इसीलिए दैट्स हाउ आई वेंट देयर।
एट द सेम टाइम मी कमिंग इनटू दिस इंडस्ट्री अगेन इज वेरी अनएक्सपेक्टेड. ये भी एक बचपन की तमन्ना थी कहीं पे, जैसे हम स्कूल कॉलेज में रहते, स्कूल में होते हैं, व्हेन यू इन नाइन क्लास नाइन टेंथ इलेवेंथ स्टैंडर्ड इलेवेंथ स्पेशली नहीं, व्हेन यू एक्सप्लोर टू एन आउटसाइड वर्ल्ड लिटिल बिट, आपको हमेशा लगता है कि हाँ मैं भी मॉडल बन जाऊँ, मैं भी एक्ट्रेस, आपको भी लगा होगा राइट? हर एक लड़की को लगता है. तो कहीं पे मुझे भी लगा था, लेकिन मैं किसी के साथ वो शेयर करने में डरती थी. बट आफ्टर आई वेंट अब्रॉड, आई वर्कड इन एवरीथिंग एंड आई केम बैक, अब वक्त था मेरे लिए, जब मैंने अपने आप को प्रूव कर लिया था अपने पेरेंट्स के सामने, देखिए मैं अच्छा जॉब कर रही हूँ, आई एम नॉट की दूसरी लड़कियों की तरह मॉडल एक्टर बनना नहीं चाहती हूँ, तो मुझे वो प्रूव करना था पहले, तो वो कर लिया था. और ये कहीं पे छुपी हुई जो पैशन है, जो एक तमन्ना थी बचपन वाली, कोइंसिडेंटली ऐसा कुछ हो गया कि मुझे वो एक्सप्रेस या एक्सप्लोर करने का मौका मिल गया. तो आई सेड ओके व्हाई नॉट, लेट मी डू इट. एंड एक के पीछे एक, एक के बाद एक एड फिल्म्स के बाद मूवी आ गई. तो वो भी मैं एक मूवी करके वापस अमेरिका जाने वाली थी, बट वो मूवी ख़त्म होते होते बाकी सारी मूवीज़ आने लग गई. तो ऑब्वियसली आई इट टुक ओवर एंड जो एक पैशन है वो मेरा प्रोफेशन बन गया. बिल्कुल, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि डर के आगे जीत है. हम डर रहे थे लेकिन आपने कदम रखा और आप जीत गए. जी बिल्कुल, इतना ही नहीं तो आप बेस्ट एक्टर एज आप हमारे सामने आए हो. क्या कहना चाहते हो हमारे दर्शकों को कि आप जैसे काफ़ी सारे लड़कियां ऐसे सोचती है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपने स्पोर्ट्स किया है, जॉब किया है, वेरी मल्टी टास्किंग पर्सनैलिटी हो, तो क्या कहना चाहते हो आप? मैं तो दर्शकों को, सारी लड़कियों को यही कहना चाहती हूँ कि एक ही ज़िंदगी है और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती है. बहुत तो एक 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 इंटरव्यू में एक बहुत बड़ी एक एक्ट्रेस है, उन्होंने, वो मेरा इंटरव्यू ले रही थी और आई लाइक टू शेयर, तो उन्होंने मुझे पूछा तुम तो इतनी सारी चीज़ें करती हो, ये भी करती हो वो भी करती हो, तो डोंट यू थिंक यू आर जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन? तो मुझे बहुत ख़राब, बहुत बुरा लगा था उस वक्त, लेकिन आज मैं अपनी ज़िंदगी, मैंने उनको यही कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी जीती हूँ, मैं किसी को प्रूव करने के लिए कोई भी चीज़ जो भी करती हूँ किसी को प्रूव करने के लिए नहीं करती हूँ. इसके पहले मैंने स्टंट मेनिया सीज़न वन में मैं थी और काफ़ी सारे स्टंट्स किए और आई थिंक टिल द एंड आई वाज बीटिंग द बॉयज़. उस मोमेंट में भी मैं किसी को प्रूव नहीं कर रही थी कि मैं क्या करना चाहती हूँ या कर सकती हूँ, ये अपने लिए कर रही थी. आज तक जितने फिल्में कर रही हूँ अपने लिए करती हूँ, जो मुझे खुशी मिलती है ऐसी वाली चीज़ें करती हूँ, स्पोर्ट्स करती हूँ, बाइक चलाती हूँ, जो भी करती हूँ मैं खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए करती हूँ. लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरा ट्रैक हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री रिकॉर्ड थोड़ा सा निकाल के देख लो, तो बाइकिंग में भी आई ऑल्सो आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट. आई एम सॉरी आई डोंट वॉन्ट टू साउंड लाइक दैट, बट टूडे आई कैन प्राउडली से दैट. अगर मेरा एक सेगमेंट है, एक सेक्टर ऑफ ऑडियंस है जिनको डांस बहुत पसंद है, गाने पसंद है, आई हैव डन अ सॉन्ग विच हैज़ मेड इट्स मार्क एंड आई हैव टच दैट ऑडियंस. एट द सेम टाइम मुझे ये भी सुनने में आ रहा था अच्छा तो उसको सिर्फ डांस ही करती है, उसको सिर्फ आइटम सॉन्ग्स ही दे दे, बट आज मैं कह सकती हूँ कि नहीं मैं एक्ट्रेस भी हूँ, मैं सिर्फ गाने नहीं करती. तो एक अलग सा ऑडियंस है जो कि इंटेलिजेंट सिनेमा, मीनिंगफुल सिनेमा में विश्वास करता है, उनके लिए फिर मैं कहूँगी कि उनके लिए, आपके लिए ये फिल्म है देखिए मैं ये भी कर सकती हूँ. तो आई एम मास्टर ऑफ एवरीथिंग यानी एवरीबडी कैन बी दैट. ऐसी कोई बात नहीं किसी को प्रूव करने के लिए हाँ मुझे एक चीज़ में मास्टरी करनी है. ये सोच के अगर आप आज का जीना छोड़ दे तो इट इज़ नॉट वर्थ इट. किसके लिए प्रूव कर रहे हैं? आई डोंट बिलीव इन दैट. आई लिव फॉर माई सेल्फ एंड आई डू बेस्ट इन वॉट एवर आई डू, दिस इज़ हाउ आई लिव इट. एंड सो आई वुड लाइक टू से आई एम द मास्टर ऑफ एवरीथिंग दैट आई डू. मैम, मिस्टर एंड मिसेस अनवांटेड के पास आता है कि ये फिल्म जो है आपने की है और इस फिल्म की वजह से आपको बेस्ट एक्टर करके आपको नवाजा गया, इसके बाद आप क्या चाहते हो कि कौन से डायरेक्टर के साथ आपको काम करना है, क्या प्लानिंग ऐसे आपके दिमाग में चालू है? ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़्यादा प्लानिंग मैंने कभी ज़्यादा प्लानिंग की ही नहीं है. मैं बहुत स्पॉन्टेनियस हूँ और आई जस्ट अलाउ एग्जिस्टेंस टू टेक मी वेर एवर आई हैव टू गो. जब अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ करने का मौका मिलता है आई डू इट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग करूँ नहीं करूँ ये करूँ नहीं करूँ, आई जस्ट डू इट. रिसेंटली आई वॉज डूइंग अ प्ले जो मैंने कभी प्ले नहीं की थी इसके पहले, बट देन आई जस्ट जम्प इन डू इट. मैंने कहा हाँ वक्त है, लेट मी डू इट एंड आई वॉन्ट टू डू इट, इट्स समथिंग न्यू एंड आई डिड इट एंड आई एम लविंग इट. तो डायरेक्टर्स, यस मैं तो सारी अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहती हूँ, लेकिन वॉट एवर एग्जिस्टेंस वॉन्ट्स मी टू डू आई विल सेंड एन मैसेज कि हाँ मुझे सारे अच्छे बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करना है, बड़े अच्छे कोस्टार्स के साथ काम करना है. हर एक एक्ट्रेस की ये तमन्ना होती है, ये कोई नई तमन्ना नहीं है, हर एक इंसान हर एक एक्ट्रेस की यही तमन्ना होती है. इसके साथ मुझे काम करना है. लेकिन मैं आई एम अ लिटिल सुपरस्टिशियस ऑन दिस. मैं थोड़ी सी सुपरस्टिशियस इस बात पे हूँ कि मैं नाम किसी के नहीं लूँगी.
लेकिन हाँ मेरे मन में है कि आई विश आई कुड वर्क विद सम ऑफ देम. जैसे ये रियलिटी में चेंज होते जाएंगे मैं ज़रूर मैं आपको बताऊंगी कि देखिए वो मैंने कहा था ना तो ये भी ही इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर सी दिस इज़ वन ऑफ द फिल्म तब खुलासा होगा. जी आई बिलीव इन एक्शंस आई डोंट बिलीव इन टॉकिंग. आज तो हम बात कर रहे हैं क्योंकि कोई चीज़ हो चुकी है और उस पर हम बात कर रहे हैं. पहले से बात करना उस पर आई डोंट रियली बिलीव इन ऑल दैट. आई जस्ट डू माई जॉब मैं अपना काम करती हूँ एंड बाकी का लीव इट टू गॉड. आई विश यू थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग. तो ये थी स्मिता जी हमारे साथ. ऐसे ही कई सारे स्टारों को मिलेंगे. फिलहाल तो वक्त हो चुका है यहीं पर रुकने का. कैमरामैन कुणाल के साथ सुप्रिया, आवाज इंडिया टीवी मुंबई. आज के लिए बस इतना ही. ऐसे ही चटपटी खबरों के साथ फिर आएंगे आपके सामने एंटरटेनमेंट जंक्शन में. और साथ ही देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी.